जयंती 14 तारीख से लाइव चल रही है, लाइव। राहुल गांधी बाबा साहब के पुत्र मूर्ति पे हाथ डालेगा, जय भीम का नारा देगा, हमको घर पे बैठे बैठे लगेगा देखो राहुल गांधी ने जय भीम कहा। नरेंद्र मोदी बाबा साहब के चरणों में फूल डालेगा और जय भीम का नारा देगा, हमको लगेगा देखो नरेंद्र मोदी ने जय भीम कहा। आज क्या मजबूरी है इनकी, सोचिए। जो लोग तहे दिल से बाबा साहब के संविधान से नफरत करते हैं, बाबा साहब के काम से नफरत करते हैं, वो लोग आज जय भीम बोलने पे मजबूर क्यों हुए हैं? इसका उत्तर भी मैं आपको देता हूं, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। इसका जवाब सन 1917 में छुपा हुआ है। 1917 में इस देश में जब साउथ ब्यूरो कमेटी का गठन हुआ, ब्रिटिशरों के राज में साउथ ब्यूरो कमेटी को यहां भेजा गया और साउथ ब्यूरो कमेटी का काम था कि इस देश में आकर इस देश के लोगों की जानकारी हासिल करना और आने वाले संविधान में इस देश के लोगों को क्या क्या अधिकार देने चाहिए उसकी उसका ब्यौरा तैयार करना। साउथ ब्यूरो इस देश में आया, साउथ ब्यूरो कमेटी इस देश में आई और इस देश में आते ही गांधी नेहरू ने साउथ ब्यूरो कमेटी को अपना बयान दिया। साउथ ब्यूरो कमेटी को कहा, देखिए आप इस देश में आने वाले संविधान में इस देश के लोगों के लिए हक और अधिकार देने के लिए आए हैं, उन हक और अधिकार में कौन से अधिकार है हम जानना चाहते हैं। साउथ ब्यूरो ने कहा, इस देश के लोगों को हम वोट देने का अधिकार देने वाले हैं। गांधी नेहरू ने कहा, ठीक है आप इस देश के लोगों को वोट देने का अधिकार देना चाहते हो तो यह वोट देने का अधिकार केवल 3 वर्गों को मिलना चाहिए। साउथ ब्यूरो ने सवाल किया कि कौन से 3 वर्ग? गांधी ने कहा कि इस देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं और कम से कम 8वीं पास होने का सबूत दिखा सकते हैं, ऐसे ही लोगों को इस देश में वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा वर्ग, जो लोग इस देश में टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ऐसे ही लोगों को इस देश में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और तीसरा वर्ग, इस देश के राजा महाराजा और संस्थानिक, इन्हीं लोगों को इस देश में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। गांधी नेहरू की इस बात को मानते हुए साउथ ब्यूरो ने उनकी इन बातों को सुना। बाबा साहब को इस बात का पता चला, बाबा साहब को पता चला कि गांधी नेहरू ने इस तरह का बयान साउथ ब्यूरो कमेटी को दिया है और बाबा साहब को पता चला कि साउथ ब्यूरो कमेटी ने अगर इनकी बात मान ली तो इस देश के बाकी लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा ही नहीं। बाबा साहब ने साउथ ब्यूरो कमेटी को पकड़ा और कहा कि अगर गांधी नेहरू के कहने के हिसाब से अगर इस देश में आप वोट देने का अधिकार दोगे तो इस देश के बाकी लोगों को तो वोट देने का अधिकार मिलेगा ही नहीं। साउथ ब्यूरो ने पूछा, कैसे नहीं मिलेगा, हमें जरा समझाओ। बाबा साहब ने कहा, इस देश में मनुस्मृति का कानून है और मनुस्मृति के अनुसार इस देश के शूद्रों को, इस देश के लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार ही नहीं है। और अगर पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार ही नहीं हो तो 8वीं पास होने का सबूत कहां से लाकर दिखाएंगे? मनुस्मृति के कानून के अनुसार हम लोगों को पैसा कमाने का अधिकार नहीं, जमीन खरीदने का अधिकार नहीं। अगर हम लोग